मैं आज शाम को पीयू की पीटी मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। यार यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे कभी तो समझा करो यार, तुम्हें पता नहीं कितना प्रेशर है मेरे पे। अबे पागल है क्या? हो क्या रहा है? कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत। इसका मतलब मर गया? ना तो तुम मरे हो ना जिंदा हो, बीच में कहीं लग गए। हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे। गेम? कौन सा गेम? तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सीढ़ी से जावे। तुम्हारी दूसरी वीकनेस जेलसी। तुम अपनी बीवी से जलते हो। नमक डाल। मेरे पास नमक कहाँ है? नहीं है तो मेरे जख्मों पे तो छिड़क ही रहे ना तुम। अगर मुझे मौका मिलता ना, अरे सिंघम होता मैं, सिंघम। एक ऐसी वीकनेस जो सिर्फ तुम में नहीं हर मर्द में होती है, लस्ट, वासना, काम। तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। वेलकम टू अ चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि पिछली बार शेरशाह में दिखाई दिए थे, अब एक बार फिर से नई फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस बार उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं अजय देवगन, जो कि एक नए किरदार में नजर आएंगे। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो उम्र के ऊपर पहुंच जाता है, वहां पर उसके पापों का हिसाब होता है और जो हिसाब होता है वो काफ़ी मज़ेदार होता है, जो कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है। इसी मूवी से रिलेटेड पहले भी काफ़ी मूवीज़ आ चुकी हैं, जैसा कि ब्रूस ऑलमाइटी वा लाइफ तो ऐसी, गॉड तुसी ग्रेट हो। ये मूवी भी उसी लेवल की लग रही है। एंड गॉड जैसी मच अवेटेड मूवी ट्रेलर से जितनी उम्मीदें थी वो शायद व्यूअर को ज़्यादा पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म में एक आम आदमी अयान का रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत अयान के ऑफिस जाने से होती है। रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत नहीं होती बल्कि वो जिंदगी मौत के बीच में फंस जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अजय देवगन से होती है और वो अजय देवगन को देखकर डर जाता है और वो पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, तो अजय देवगन उसे बताता है कि अभी तुम जिंदा हो। इसके बाद वो अयान की कमजोरियाँ जैसे कि गुस्सा, वासना के बारे में बताता है। इसी दौरान अजय देवगन अपनी कॉमेडी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने फेस एक्सप्रेशन से लोगों का काफ़ी हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉमेडी यहाँ पर फेक ही दिखी। रकुलप्रीत सिंह सिद्धार्थ की पत्नी के रोल में, जो कि एक पुलिस अफसर होती है। इसके साथ ही नूरा फतेही इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग में नज़र आएंगी। ये मूवी एक फैमिली एंटरटेनमेंट है जो कि 25 अक्टूबर इसी साल सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली है। आपकी क्या राय है इस अपकमिंग मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।